हकीकी आज़ादी। सो रहे थे 70 साल से, पता नहीं किस, हमारे माँ बाप का भी कसूर है। साफ मांगने तो मिलेगा नहीं, जब इमरान खान जैसे बंदे को नहीं मिल सकता। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुलेखा। अब ये एक प्ले कार्ड भी लेके आई है, साथ में प्लेग भी है, इसकी क्या वजह? क्या वजह हो सकती है? हकीकी आज़ादी। आज़ादी किससे लेनी है? हम लोगों को एक्चुअली अपनी जो हम लोगों की ज़हनियत है ना, सबसे पहले उससे लेनी है, क्योंकि हम लोग सो रहे थे 70 साल से, पता नहीं किस, हमारे माँ बाप का भी कसूर है, सो सो के गुजार दिया, इस हद तक मुल्क पहुँचा है, तो इमरान खान ने जगाया है सबको। अभी किस तरह से आज़ादी मिलेगी, क्या बदलने जा रहा है? आई थिंक स्ट्रगल तो लंबी है, एक दिन में कुछ नहीं होता, स्ट्रगल ये है और वो हर इदारे से हमें शुरू करना पड़ेगा, बट सबसे पहले कानून, जब कानून के नीचे सब आते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। कानून को कैसे बदला जा सकता है, कौन बदलेंगे कानून को? कानून बहुत है हमारे पास, इम्प्लीमेंट नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, कल को मैं या आप या कोई जाएगा किसी भी मसले की थाने या खुदा ना खासा अपने लिए इंसाफ मांगने, तो मिलेगा नहीं, जब इमरान खान जैसे बंदे को नहीं मिल सकता, ताकतवर लोगों को नहीं मिल सकता, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, सिर्फ जो करप्ट लोग हैं और जो हमारी जुडिशरी भी, उसको सारे को रीहॉल करना पड़ेगा। किताबों में कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अच्छा, अभी इमरान खान साहब यहाँ पर अभी कुछ देर में खिताब भी फरमाएंगे और यहाँ पर इतने सारे आवाम यहाँ आए हैं मुख्तलिफ जगहों से, क्या समझते हैं कि क्या आज हकीकी आज़ादी मिलेगी, क्या आज जो हुकूमत है वो इस्तीफा देगी? देखिए, आज एक दिन में कुछ नहीं होगा, आई मीन ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है पिछले कई महीनों से, एंड अगर इसके बाद भी और बिल्ड करना पड़ा तो करेंगे। बात वही है, इमरान खान अगर 25 मई कोई चाहता कि तू बदू कर दे लोगों को और फौज को और पुलिस को, तो वो कर सकता था। इमरान खान चाहता है कि हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट रहे। अब मैं एक औरत आती हूँ, हमारे सारी ज़्यादातर लेडीज़ हैं, आते इसीलिए ना, हम कहाँ ऐसे घरों से हैं कि हम इस तरह अकेली फिरते हैं, लेकिन आते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, आते हैं अपने घरों को छोड़ के, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चे वो ना सहें जो हमारी और मेरे जैसे घर के लोगों को बड़ा आराम होता है। मुझे फिक्र है जो लोग मेरे साथ तबका गरीब है, उनका क्या हाल होता होगा, मेरे जो घर में काम करते हैं, मैं उनका हाल देखती हूँ, 6 महीने में बदल गया है। अच्छा, क्या मैसेज देगी पाकिस्तानी आवाम को? मैं ये मैसेज दूंगी कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, बिकॉज बात वही है, हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा कानून के नीचे आ जाए, खुद जो मर्जी करो, ये छोड़ देना तो बाकी डेवलप दुनिया वो इसलिए ठीक है क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।